तो गाइज़ इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप सभी लोग गूगल फ़ोटो में कोई भी फ़ोटो अपलोड करते हैं तो वो जो फ़ोटो होता है वो आपके फ़ोन के गैलरी में शो नहीं होता है, या तो फिर आपके फ़ोन के एसडी कार्ड में जो है शो नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो सभी लोग जो है सेटिंग करेंगे, जिसके बाद आपके फ़ोन में गैलरी में भी शो करने लगेगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सभी लोग अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मैनेज ऐप्स पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से सर्च बार पे क्लिक कर लेनी है। और गाइज यहाँ पे आपको सर्च करना है फ़ोटोज़, यानी कि गूगल फ़ोटो। तो इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है सर्च करने के बाद। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन परमिशन पे जानी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल एंड मीडिया का ऑप्शन आता है, और साथ ही साथ फ़ोन का भी ऑप्शन आता है। तो आप सभी लोग इन दोनों ऑप्शन को जो है इनेबल कर लीजिए अपने फ़ोन में, इस तरीके से अलाउ पे क्लिक करके इसको इनेबल कर लीजिए। जिसके बाद गाइज ये जो है आपके फ़ोन के गैलरी में भी सेव हो जाएगा। जब भी आप अपलोड करेंगे कोई भी फ़ोटो तो वो आपके फ़ोन की गैलरी में भी शो होगा, और आपके फ़ोन के एसडी कार्ड में भी जो है दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने फ़ोन में सेटिंग करिए, फिर आपके फ़ोन में जो है जो भी फ़ोटो आपने अपलोड करे होंगे वो सारे का सारा आपके फ़ोन की गैलरी में भी शो होगा। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।